भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का 88वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने तहसील के तिकोनिया पार्क में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला अध्यक्ष रमेश पांडे व महिला सभा की जिला अध्यक्ष सुमन पांडे के नेतृत्व में किसानों के मसीहा महात्मा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 88वां जन्मदिन जयंती के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष पंडित राज्यपाल शर्मा भी अयोध्या पहुंचे, जिनका भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष रमेश पांडे व प्रदेश सचिव श्री राम वर्मा ने माला पहना कर प्रदेश अध्यक्ष पंडित राज्यपाल शर्मा का स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल शर्मा ने किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के चित्र पर माल्यार्पण कर केक काटकर महेंद्र सिंह टिकैत का जन्मदिन मनाया और सभी को मिठाई व फल वितरण किया। वहीं किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल शर्मा ने बताया कि महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसानों को आंदोलन करना सिखाया, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना सिखाया। हम लोग उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और किसान यूनियन का एक एक कार्यकर्ता बिना डर के अपने हक की आवाज़ बुलंद करता है। मैं सभी किसान भाइयों को चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 88वीं जयंती की बधाई देता हूं और सबको एकजुट होकर किसानों के मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत के बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष रमेश पांडे ने भी महात्मा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के 88वें जन्मदिन के अवसर पर महेंद्र सिंह टिकैत के चित्र पर माल्यार्पण कर केक काटकर जयंती मनाई और कहा कि महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत किसान यूनियन की स्थापना की है। आज हम इस जयंती के अवसर पर ईश्वर से ही कामना करते हैं कि हमारा संगठन ऐसे ही निरंतर बढ़ता रहे। हम सभी को महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती की बधाई देते हैं। इस जयंती के अवसर पर अध्यक्ष रमेश पांडे, प्रदेश सचिव श्री राम वर्मा, महिला जिला अध्यक्ष सुमन पांडे, जिला महिला सचिव पूनम पांडे, मीडिया प्रभारी रामजन्म वर्मा, पिंकू पांडे, रिबाई दादा, राकेश वर्मा, एकादशी गुप्ता, श्री राम यादव, रविन्द्र वर्मा आदि सम्मानित लोग मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, जिन महात्मा जी ने भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की, उनकी 28वां जयंती मनाई जा रही है और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में दौड़ा करने वाले संघर्षशील जुझारू और दाहिने संघर्ष करने वाले दाहिने हाथ की तरफ आदरणीय पंडित श्री राज्यपाल शर्मा जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अत्यंत ही लोकप्रिय हैं, हमारे बीच में आए हैं उस कार्यक्रम को सुनियोजित सफल बनाने के लिए। हम यहाँ के भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, जनता की तरफ से, सबकी तरफ से हम आप आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं और हनुमान जी से यही चाहते हैं कि उन महात्मा टिकैत जी ने जो संगठन बनाया था वो आप आदरणीय, वो महात्मा जी थे तो आप महान आत्मा हैं। ये संगठन हिमालय से कन्याकुमारी तक, दिल्ली से दौलताबाद तक, गाजीपुर से गाजियाबाद तक ये संगठन और आगे ही आगे बढ़ता रहे, हम यही कहना चाहते हैं। आज किस तरह ट्रंप महाराज जयंती है और हमारे भारतीय किसान यूनियन, हमारे प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जो राज्य संघर्ष कर रहे हैं, जो मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में, भारत में जो ट्रक्चर ये ख़त्म करने वाले हैं, वो ट्रक्चर ना समाप्त करें, नहीं तो इनकी सरकार समाप्त हो जाएगी और MSP लागू करें और जो पत्रकार और जो चैनल वाले हैं उनको FIR दर्ज करके मुकदमा भेज दिए हैं, इनकी अंतिम सांस चल रही है। पत्रकार जो है जैसे चारपाई होती है, पार्टी लगते हैं उस पार्टी बांस की तरह है, अगर वो समाप्त हो जाएगी तो ये एकदम समाप्त हो जाएंगे। इस सरकार की अंतिम सांस चल रही है। जय जवान जय किसान, संघर्ष से बल देगा हिंदुस्तान। मैं गोरखपुर जा रहा था तो ये गोरखपुर देवरिया प्रोग्राम है, लगातार प्रोग्राम में 3-4 जा रहा था तो यहाँ ये हमारा जिलाध्यक्ष और जी कहने के यहीं निकलना, तो यहाँ निकलते हुए तो आज हमारी बात पर टिकट की जयंती है 8वीं। ये देवतुल्य थे, इन्होंने हमेशा किसानों के लिए संघर्ष किया और उसी सानंद में मेरा है इनके साथ 25 साल लगातार, 87 से 11 तक लगातार संघर्ष में रहा। पहले इन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का संचालन करता, उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बना दिया,
दोनों साथ रहते थे और किसानों के लिए संघर्ष करते रहे। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तो यही है कि जो उन्होंने रास्ता बताया था, हमारा संकल्प है उसी रास्ते से किसानों के अधिकारों के लिए, किसानों के हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे और किसान के अधिकार किसानों को दिलाकर ही घर बैठेंगे। उसी संकल्प लिया था वहाँ बॉर्डर पर रोक दिया था। हमारा ये संकल्प था कि जब तक बिल वापस नहीं, घर वापस नहीं, वही संकल्प आज है कि जब तक किसान के अधिकार नहीं, घर बैठना नहीं, संघर्ष ये जारी रहेगा दिनों रात, किसी भी माध्यम से हो, पंचायत हो, आंदोलन हो, ग्राम हो, धरना प्रदर्शन हो, हम हमेशा किसानों के समय संघर्ष करते रहेंगे। यह संकल्प ले लिया है। आज वहाँ गोरखपुर जा रहे थे, यहाँ लगातार चार पंचायतें गोरखपुर मंडल की, उनमें संगठन को गति देने के लिए, संगठन की स्थिति देख रहे हुए, तो यहाँ ये अयोध्या में भी संगठन की सारी स्थिति का जायजा लेते हुए और संगठन के हमारी टिकट साहब की जयंती है, उस पर पुष्पांजलि की है और केक काटने के लिए कह रहे हैं, उसी में हमारे समय निकाला है और आपका सहयोग है भाई। कौन सी बात क्या मैसेज देंगे किसानों के लिए? यही मैसेज है कि संगठनों को करें मजबूत। आज कोई भी, आज से का पहले से किसानों के लिए कोई भी सरकार नहीं रही है, सरकार आती जाती रही है, किसानों को धोखा देती रही है। इन्होंने कई बार धोखा दिया, इनके घोषणा पत्र में था किसान हमारी सरकार आई तो किसानों को बिजली फ्री देंगे। आज मीटर लगवाए जा रहे हैं प्रदेश में, क्या मीटर कोई ऐसा तार है जो फ्री कर दे बिल्कुल? लाभ है क्या? इसी को लाभ मान लेते आपके, हम फ्री देंगे वो मीटर लगवा रहे हैं। ये कहते थे कि आमदनी दूनी करेंगे, आमदनी दूनी क्या, लागत दूनी हो गई और किसान मर गया। कहीं भी इनका एक भी, जो भी घोषणा इन्होंने की है क्रियान्वयन, एक भी घोषणा का नहीं हुआ। 2000 रुपये देते हैं किसान को, मई के बाद भीख भीख बाल ना, वही हमें से ही काट लिया उसमें 400 जिसमें से वो ले रहे हैं और हमें 5 किलो भिखारी समझ के लाल लगवा रखी है कि हमें लाभकारी मूल्य दिए। MSP पे कानून बनाकर हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, तो अभी नाथन की रिपोर्ट लागू की जाए जी, कहते कर्जा ले लो। कर्जा देने के लिए तैयार हैं लेकिन लाभकारी मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? ये साजिश है पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को कुचलने के लिए ये सारी योजना इनकी बनाई जा रही है। पर किसान समझ लिया अच्छी तरह वो कि यदि हम सोते रहे तो ये सरकार हमें नहीं छोड़ेंगी, न हम पर जमीन रहेगी, न हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, न हमारे इसको बच्चे स्कूल जा पाएंगे, न शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। हम पागल के पागल ये रखना चाहते हैं, फटी हद्दार है, फटी चप्पल रहे और हमें इन पर राज करते रहे, इन पर तूती बाजती रहे, ऐसा इनका सोच है। समर्थन करें आप, देखना रहे हम फ्री देंगे बिजली, लगवाए जा रहे मीटर, हर एक किसान से बात करके देखो कितनी और दूरे तूरे बिल बढ़ा दिए गए। हालात खराब है, नहरों में पानी नहीं है, गन्ना मूल बढ़ा रही है, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ है, ये मफसरी हुए मुकदमा लगा दिए गए। आज एक भी मुकदमा वापस नहीं हुआ, जबकि वहाँ वादा किया था बॉर्डर पर, हम बॉर्डर को नहीं छोड़ रहे थे, बॉर्डर को खाली नहीं कर रहे थे। वहाँ संजय अग्रवाल द्वारा एक प्रपत्र दिया गया कि आपकी 5-6 मांग हैं, हमने मान ली हैं, आप बॉर्डर को खाली कर दें। हमारी मांग थी जो अब शहीद हुए हमारे सारे 7 शहीदों का दर्जा दिया जाए, परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए, हम पर जो मुकदमा लगे वो वापस ले जाए, बिजली बिल में संशोधन किया जाए, लखीमपुर कांड के दोषियों को जेल भेजा जाए और MSP पर कानून बनाया जाए। इसे शुरू 14 के बाद नोटबंदी शुरू हो गई,